हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो टीचर्स डे पे होने वाला है, ताकि जो बच्चे फिजिकली अटेंड नहीं कर पाए हैं वो भी एंजॉय कर सके। देखा जाए तो आप सब लाइव एंजॉय कर लिए हो, बट मेरी ब्लॉग की कुछ बात ही अलग है। आप सब तो जानते हो कि आपके टीचर्स लोगों को फोटो लेना कितना पसंद है, तो इसीलिए सब कोई अभी खड़े हैं ग्रुप फोटो लेने के लिए। तो आ गया फोटो, कमेंट करके बताना कैसा आया है। वैसे भी अच्छा नहीं आने से किसे ही पता चलेगा मार्क्स जो पहने हैं। प्रिंसिपल सर का स्पीच बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड थॉटफुल था, आप लोग तो लाइव सुने ही होंगे। And he argues that if children and nation wants to celebrate his birthday should be celebrated as a teacher's day. And see where in the information, in the knowledge, the teacher is there. So after your parents, or sometimes even more than your parents, you are attached to your teachers. If the child is asked, especially the little kids, whom you love very much, they have... आप लोगों को तो पता है अनन्या कितना अच्छा गाती है और वो स्कूल भी आई थी, तो चलो अभी उसका थोड़ा सॉन्ग सुन लेते हैं। इनको तो आप लोग जानते हो, ये आपके क्लास 10th की जसस्वी दीदी हैं और ये अभी एक स्पीच सुना रहे हैं, तो चलो हम भी सुनते हैं। सिखा दिया ओ टीचर, शुक्रिया।
तुमसे ही आशा इरादों के बसते और यहाँ पे पीहू और अनन्या के गाल में मैं थोड़ा अपना हाथ साफ करी थी और टीचर्स डे था इसीलिए वो लोग मना भी नहीं कर पाए। ये और यहाँ पे हो रहा है क्रिकेट में स्टूडेंट्स वर्सेस टीचर और यहाँ पे आपके सर लोग जो छक्के पे छक्का मार रहे हैं ना, आप लोग होते तो बिल्कुल नहीं मार पाती क्योंकि बच्चे कम हैं तो वो लोग हार जा रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो जरूर आप लोग जीतना, ठीक है? और यहाँ पे जो आपके पंडा सर छक्के के ऊपर छक्के छुड़ाते जा रहे हैं, क्या आपको उनके बारे में एक फैक्ट पता है कि वो स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं? नहीं पता था ना, मुझे भी कल ही पता चला। तो नेक्स्ट टाइम आप जब स्कूल आओगे तो उनके साथ क्रिकेट खेलना बिल्कुल मत भूलना। और अभी आए फील्ड पे हमारे प्रिंसिपल सर, सब खेल ही रहे थे तो थोड़ा मुझे भी मन किया तो थोड़ा मैं भी एक बॉल खेल के देखी तो मुझे बहुत मजा आया। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग गर्ल्स के बीच में मैच रखेंगे, ओके? आपके सीनियर सुबह से कितना मेहनत कर रहे थे तो अभी हुआ है उनका लंच ब्रेक, तो उनको पहले अपना लंच एंजॉय करने देते हैं, फिर शुरू करेंगे और एक नया गेम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या गेम होने वाला है। यस, यू ऑल आर राइट, अभी होने वाला है म्यूजिक चेयर बिटवीन ऑल द टीचर्स। विनर कौन हुआ ये जानने के लिए तो आप लोग को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही लंबा था तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट करके डाली हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। लेकिन इसके बाद मैं और एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें ओनली ये गेम्स का है, बिल्कुल भी नहीं काटी हूँ, तो वो वाला वीडियो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलना, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो अभी गेम एंजॉय करते हैं। Now you can congratulate me in the comment section for winning the game. Now it's gifts time. तो ये जो आप देख रहे हो ये सब gifts है टीचर के लिए और आपके दीदी लोगों के लिए। अभी आप लोगों का प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया और आपके सारे सीनियर्स घर भी चले गए हैं
और अभी हमें लगी है जोरों की भूख और आज हम सारे टीचर्स एक साथ लंच करने वाले हैं, वो भी स्कूल में। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा चांस मिला है, तो ये आ गया हम लोगों का लंच। तो हम लोग अभी लंच एंजॉय करते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो गिफ्ट्स में क्या था, वो भी तो आप लोगों को देखना होगा ना। होप सो कि आप लोगों को आज का टीचर्स डे ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं पूरा ट्राई की हूँ को पूरा प्रोग्राम आपको एंजॉय करवाऊँ। और आप लोग अगर वीडियो देख चुके हैं तो क्या करना है, आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मैं आप लोगों को क्यों ही बता रही हूँ, आप लोगों को तो सब आता है, तो जो जो करना होता है कर दो। और मैं अभी कुछ फोटोज ऐड कर रही हूँ, आप वो भी देख के जाना, ठीक है।